वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद उम्मे सलमा व्लॉग में आपका खैर मकदम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा। तो आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इस कप से अपने 4 कप चने की दाल ले ली है। दो और ये 3 और ये 4। पूरा अच्छा तो वॉश करेंगे इसे। इस दाल को अपने हम कुकर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। इसी दूध में इसको बहुत अच्छा सा बॉयल होना है। दूध बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस दाल के बराबर रहे, क्योंकि दाल जब अगर गीली हो जाएगी तो फिर भूनने में और पीसने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए बस सूखी दाल बॉयल करनी है हमें। अब इसमें लिड लगाकर और इसको हम चढ़ा देते हैं गैस पर। 2 सीटी आने के बाद 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे इसे। फ्रेंड्स, ये दाल हमारी हो गई है। ये दाल देखें कितनी अच्छी हुई है। इस दाल की खासियत ये है कि इस दाल को गीला नहीं उबलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये ऐसे ही भरभरी एकदम उबलनी चाहिए। और ये देखिए, आप इसको जब ऐसे देख रहे हो तो ये कट रही हो, ये देखिए। और ये बिल्कुल खुश्क ऐसे उबली है, ये देखिए, ये एकदम खुश्क ये उबली हुई है। तो ऐसी यही इसकी एक ट्रिक है और एक मतलब आसान बनाने का है। बहुत मेहनत नहीं पड़ती है कि इसको खुश्क उबालिए। अगर ये गीली उबल जाती है तो बहुत मेहनत पड़ती है भूनने में। अब इसको जब हम ग्राइंडर में पीसेंगे तो ये बिल्कुल सूजी की तरह पीसेगी, जैसे मोटी सूजी होती है वैसी हो जाएगी। चलिए अपने ग्राइंडर जार में और अच्छे से पीसते हैं। फाइन पे इसका पाउडर नहीं किया है, थोड़ा सा ये ऐसे है इस टेक्सचर में, ये ऐसे है। अब ये पिस गया है। चलिए इसका अब हलवा भूनते हैं। इसको दाल को भुनाई, दाल हमारी भुन रही है, इसको डाल दिया भुनने के लिए। ये देखिए खूब अच्छी सी, जब ये सूखी पिसती है तो ये बहुत अच्छी ऐसे सूजी की तरह आप भून सकते हैं। और अगर गीली आप उबाल देंगे तो इसको भूनने में बहुत मुश्किल होगी। ये देखिए, ये अभी होना थोड़ा बाकी है। थोड़ा घी डाल डाल के भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये वही घी है जो मैंने निकाला था। आपने ना देखा हो तो उसका लिंक यहाँ ऊपर दे देंगे, तो देखिएगा घी कैसे बनता है घर में। ये घर का घी, इसको डालते हैं इसमें। ये दाल हमारी ऑलमोस्ट भुन गई है। ये देखिए, इसमें खूब अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया और इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं कि ना पूछिए। पूरे में सौंधी सौंधी खुशबू पूरे किचन में पूरे में फैली हुई है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हमारी दाल। जिस कप से फ्रेंड्स दाल नापी थी हमने, उसी कप से 4 कप दाल के बराबर चीनी हम ले लेते हैं। 4 कप हमारी दाल थी और 4 कप ये चीनी। तीन और ये 4। ये 4 कप इसी में चीनी हम नाप के 2 कप पानी ले लेंगे। इसको अब हम चढ़ा देते हैं गैस पे। जब तक हमारी चाशनी यहाँ पक रही है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा देसी घी में फ्राई कर लेते हैं। मेरे लाइटर को भी अभी खराब होना था, लाइटर ही खराब हो गया, नहीं जल रहा है। गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ये अपने, ये हमारे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट है, इसको हम ये थोड़ा सा नारियल है इसको भी डाल के इसमें भून लेंगे। यहाँ पे मेरे पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। ये इसको एक गाढ़ी चाशनी बनानी है हमें, थोड़ा सा थिक चाशनी बनेगी तब अच्छी होगी। ये देखें ये उबल रहा है, अब ये थोड़ी देर और पकेगा। और इधर ये हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे से इसमें क्रंच आ गया। इसको ब्राउन नहीं करना है, खाली इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए, बस क्रंच आने तक, सोंधापन आने तक इसको भूनेंगे। और ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, इसको कर देते हैं बंद। अब ये मेरे पास फूड कलर है, इसको डालते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे डालें, नहीं तो स्किप कर दें। ये दाल है, ये जो ड्राई फ्रूट मैंने भून के रखे हैं इसको भी मैं अपनी इसी दाल में डाल देती हूँ और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। जब तक फ्रेंड्स यहाँ हमारी चाशनी हो रही है, उतनी देर में हम अपने इस पे लगा देते हैं घी। घी से अब इसको ग्रीस कर देंगे। ये हाथों से या ब्रश से किसी भी चीज से लगाइए और इसको लगा दीजिए।
बहुत अच्छा सा थाली में चारों तरफ घी लगा दें। और हाथ से लगाने से ये होता है कि आपके हाथों का प्यार आपकी चीजों में पहुंच जाता है, और नहीं तो ब्रश से लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक खाने में हाथ का स्वाद ना आए तब तक खाने का वो मजा ही नहीं है। अब फ्रेंड्स अपना हम ये देखते हैं हो गई है चाशनी की नहीं, ये देखें ये ऐसे करके ये देखिए एक एक बूंद गिर रही है, तार थोड़ा सा बन रहा है इसमें, तो हमारी चाशनी ये हो गई है रेडी। ये बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, इस तरह से बने ये ऐसे होनी चाहिए। तो अब हमारी ये चाशनी हो गई है रेडी, अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं। और इसको अब हम अच्छे से मिलाएंगे और ये पकने देंगे, इसमें इसकी होगी गुटाई। इस पॉइंट पे आप अगर चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन खोया डालने के बाद इसकी लाइफ थोड़ी कम, ऐसे आप इसको एक महीने डेढ़ महीने रख के आराम से खाइएगा। अगर खोया वोया डाल दो तो थोड़ा सा जल्दी खराब होने का डर होता है, ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल लगता है कोई इतनी अच्छी मिठाई है। लो कहते हैं भुनाई, मेन भुनाई इसकी अब है। समीर मियां मेरी हेल्प करते हुए, मेरे कंधों में बहुत दर्द था, हमसे चलाया नहीं जा रहा था। समीर से कहा भैया मेरे हलवे को भून दो, थोड़ा घोट दो, तो समीर हमारी हेल्प करा रहे हैं। निकालते हैं जमाने के लिए, तो चूल्हा करते हैं बंद। और ये एक हमारे पास ये है टिफिन का, बिल्कुल सरफेस इसका चिकना है, तो ये चिकना सरफेस ले करके इसी पे थोड़ा सा हम लगाएंगे एक पॉइंट घी, घी को करेंगे ग्रीस ऐसे, और इसको अभी यहां रखेंगे। फिर ये अब हलवा हम निकालते हैं इसमें, बिस्मिल्लाह। और इससे हम इसको बराबर करते हैं, इसको कौन निकालते हैं इसमें, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, अब ये फ्रेंड थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसको अब हम हलवे की शेप में काटते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं, ये इसको ऐसे काट लेंगे, बर्फी स्टाइल में बनेगा ये, बर्फी इसकी काटेंगे। फ्रेंड्स ये मेरा चने का हलवा बनके तैयार है, इसको आप भी नोश फरमाएं। और फ्रेंड्स बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स इसको सिर्फ शिवरात्रि में ही नहीं, आप इसको होली पे भी ट्राई कर सकते हैं, रोज हमेशा तो आप गुजिया बनाते हैं, एक दफा मेरे कहने से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, चने का हलवा। आपके रिश्तेदार आपके फ्रेंड्स भी खुश हो जाएंगे कि यार ये गुजिया के अलावा भी कुछ मिला, गुजिया तो बहुत अच्छी रेसिपी है ही है, एक मिठाई है ये, और ये उसके साथ ये भी बहुत अच्छी मिठाई है। और फ्रेंड्स आप एक दफा मेरे कहने से जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबका दिल खुश करिएगा, दिल जीतिएगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दुआओं में याद रखें, नई रेसिपी नई फन के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और फ्रेंड्स अपने